वड्डी खबर पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू नाल जुड़ी हुई है। दीप सिद्धू ते फरीदकोट पुलिस ने कोरोना नियमों की उलंघना करन दे तहत पर्चा दर्ज कर दिता है। दरअसल दीप सिद्धू ने बीते दिन किसानी नूं तेज करन लई जैतो दे गुरुद्वारा साहिब च इकट्ठ कीता सी, जिस दे चलदिआं थाणा जैतो की पुलिस वल्लों कोरोना दे नियमों दीआं धज्जियां उडाउण नूं लै के मामला दर्ज किया गया, जबकि इस विच किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। ये दीप सिद्धू कल मत्ते पिंड जैतियाना साहब गुरद्वारा साहब आया सी। ये तीन चार गड्डियां 15 तो 20 बंदे सीगे। ये मतलब लैक्चर करता रहा 10-15 मिंट, ये मास्क वगैरह नहीं लग्या सी। जिहदे च असीं FIR नंबर 78 अंडर सैक्शन 188-269 IPC डिजास्टर मैनेजमेंट ते एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत ये खिलाफ असीं परचा दर्ज किया है। तो अगे हुण इहदी जिहड़ी फर्दर कार्रवाई है वह कर रहे हैं। की अपना दीप सिद्धू ते कल्ले ते परचा किया गया जां होरां ते बाय नेम होए सी? इहदे नाल जिहड़े बंदे आए सी ना वह मतलब उन्हां दे सानूं नाम वगैरह नहीं सी पता। असीं जिहड़ियां इहदे नाल 3-4 गड्डियां सीगियां उन्हां दे नंबर वगैरह लै ले हुए आ। तो अगे यू अरैसट करके तो असं पुछांगे किहड़े बंदे ने, तो उन्होंने भी अरैसट पावांगे। हाँ, जिहड़ी कि फिलहाल की घड़ी दीप सिद्धू के उत्ते बाय नेम परचा किया गया सी, दीप सिद्धू ते ही किया। हाँ, तो कोई इन अरैसट वगैरह या कोई नोट्स वगैरह पहुंचा गया जी? इन हम अरैसट करांगे, ये जो FIR दर्ज होगी वो अरैसट मस्ट होनी है। 26 जनवरी नूं दिल्ली च हुई हिंसा दौरान अदाकार दीप सिद्धू नूं मुख्य दोषी ठहराया गया सी, जिसते दिल्ली पुलिस ने इनाम भी रखा सी। हुण दीप सिद्धू जमानत ते बाहर आया होया है। फरीदकोट तो गुरजीत रोमाणा की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।